सबसे पहले सिंधी कढ़ी के लिए तेल गरम किया पैन में, उसके बाद उसमें डाला जीरा, राई, मीठी नीम की पत्तियाँ, हरी मिर्ची और मेथी दाना डाला। हरी मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे बेसन, बेसन को चलाते रहेंगे, सिम पे चलाएंगे, इससे बेसन बहुत अच्छा पकता है और कढ़ी में बहुत स्वाद आता है। बेसन तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर इस तरह का हो जाए। देखिए इसका कलर ऐसा आ गया, अभी थोड़ा और कलर आ जाए, लड्डू जैसा इसका कलर आ जाएगा। अब इसमें हल्दी डालिए, लाल मिर्च डालिए और चलाएं। ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, आप इसको बनाएंगे एक बार तो बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। ये बहुत अच्छी बनती है, इसको आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दें क्योंकि कढ़ी पकने के बाद ऑलरेडी वो ब्राउन होता रहेगा। अब पानी डालें उसमें, चलाते रहिए पानी डाल के जब तक ये उबले। उसके बाद डालेंगे आप सब्जियाँ। अगर आप चार लोगों की कढ़ी बना रहे हैं तो उसमें लगभग 50 ग्राम बेसन की ज़रूरत है, ये मैंने कम बनाई है। यहाँ पर कढ़ी बनने के बाद गाढ़ी होती है। सब्जियों में डालेंगे लौकी, गोभी, ग्वाल फली, ये मैंने सहजन बीन्स डाली हुई है, सहजन की फली डाली है। इसमें मैंने अरबी भी डाली हुई है और बैंगन डाले हैं, अरबी छील के और बैंगन काट के डाले हुए हैं। आलू भी डाला है इसमें मैंने एक। अब डालेंगे नमक, आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जैसे लोटस स्टेम। नमक डाल के फिर चलाएंगे और उसको थोड़ा पानी इसमें मैंने और ऐड किया है क्योंकि ये पानी बाद में कम हो जाएगा और रस बनना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसको पैन को ढक दिया है और उसको सिम पे पकने देंगे। दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल लेके उसमें कटी हुई भिंडी थोड़ा सा सेक लेंगे। देखिए भिंडी इस तरह से सिक जाए क्योंकि उसमें लिसलिसापन होता है तो बाद में लिसलिसापन नहीं आएगा सेक के डालेंगे तो। देखिए मैं अब ये पक चुका है, इसको आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा कि आलू पक चुके हैं, अरबी पक चुकी है। उसके बाद इसमें डालिए कटा हुआ टमाटर और भिंडी, और मैंने इमली का गूदा पहले से बना के रखा है, उसमें डालेंगे इमली का गूदा क्योंकि ये एक खट्टी प्रकार की डिश है तो इसलिए इसमें इमली पड़ती है। देखिए अब इसमें तड़का लगाएंगे, जब ये पूरे सब्जियां गल जाएं तो आप चेक करके बाद इसको तड़का लगाएं थोड़ा सा तेल गरम करके। मैंने तेल बहुत कम लिया है, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी वो आपकी इच्छा अनुसार। उसमें थोड़ा सा हींग डाला, जीरा डाला और लाल मिर्च डाल के अब इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, इसको चावल के साथ सर्व करें। आप इसको ज़रूर देखिए बना के, और फिर जो भी आपके सजेशन और क्वेरीज हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।